नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। बता दें आपको ये कि दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू के परिवार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और मामले में नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रिंकू शर्मा के परिवार के लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है कि इस पत्र में रिंकू के भाई ने आरोपियों का नाम लेकर ये कहा है कि इन लोगों की ओर से मेरे परिवार का लाठी डंडों पर और साथ ही चाकू से हमला कर दिया गया है। इस हमले में रिंकू शर्मा की मौत हो गई और ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उधर इस मामले में पुलिस का कहना था कि पार्टी में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद ये वारदात हुई। इस बीच इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बाबू नाम के व्यक्ति ने दावा किया है कि रेस्टोरेंट में उसके जन्मदिन पार्टी के सभी दोस्त इकट्ठे हुए थे और यहां आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन बाद में ये घटना हो गई। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से ये हत्या हुई है और बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं कि हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जाँच कर रही है। गौरतलब है कि बुधवार रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की 4 लोगों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी थी और पुलिस का ये कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है और ये हत्या बर्थडे पार्टी में ये रेस्तरा खोलने को लेकर हुए विवाद में की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का ये कहना है कि हत्या राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने के कारण हुई है। कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं सुनियोजित हो रही हैं। आप इसके पहले भी नारंग की घटना याद करिए, एक भीड़ आती है उसको मारती है। अभी बीच में एक और घटना हुई थी सक्सेना की, जहां पर कि 5 लोग उसको घेर करके चाकुओं से गोद दिए थे। और ये रिंकू शर्मा मूलतः ये श्री राम मंदिर का चंदा मांगने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर के उस पर हमला किया, पीठ पे छुरा घोंपा। मेरा कहना है कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हैं वो जघन्य अपराधी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारे जो लोकल दिल्ली की सरकार है वो इसमें भेदभाव जो कर रही है वो मन को पीड़ा देने वाला है और दिल्ली इससे बहुत परेशान है। हुई है उस घटना को ध्यान में रखते हुए हम पूरे इलाके में जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई यहाँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा हुआ है। हमारे लोकल ऑफिसर्स भी हैं, बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है केस का वो अलग चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में 12-14 दिख रहे हैं। नहीं देखिए, मैं बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोगों से कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगा। ये बहुत इन्वेस्टिगेशन बहुत सेंसिटिव होता है, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी एनी डिटेल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। एज ऑफ नाउ वी हैव अरेस्टेड 5 पीपल। फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस। हमारा बेसिक अनुरोध जो यहाँ की लोकेलिटी के लोगों से है कि वो आपस में अगल बगल रहते हैं, यहीं रहते हैं, तो वो शांति बनाए रखें और उसी शांति के प्रयास में जो है हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोगों ने। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो सर, आपसे सवाल है कि दिल्ली में मंगोलपुरी में जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, पीठ पीछे ये चाकू घोपा है, लेकिन इसी के पीछे ये आपसे राय लेना चाहेंगे कि इसकी घटना के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है? देखिए, जिनका भी हाथ था वो अरेस्ट हो चुके हैं और दिल्ली क्राइम ब्रांच इस चीज का गहनता से जांच कर रही है और अपराधी जो है कहीं कीमत से बच नहीं पाएंगे। अब देखिए, ये बहुत एक घटना जो एक पड़ोस की लेके जो दर्दनाक है,
ये कहीं एक रंजिश बताती है कि देखिए कितना विवाद है कि आजकल कितना चीजें माइनॉरिटी में बढ़ती जा रही हैं कि यहाँ तक मोहब्बत आ जाती है। अगर कोई जुलूस निकालता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये एक सिलसिला आज पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है और हमने रघुवीर नगर कांड भी देखा है, चांदबाग भी देखा है और हमने मंगोलपुरी भी देख लिया है। किस तरीके से एक अराजकता बढ़ाने के लिए एक धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरीके की जंगली अपराध करते हैं। पुलिस एक्टिव थी दिल्ली की, देखिए उसने काम करा और बहुत जल्दी पकड़ा और दिल्ली को शांत रखने के लिए दिल्ली पुलिस अपना काम करना बखूबी जानती है, तो कर रही है। जी तो प्रदीप जी, क्या लगता है इस हत्या के पीछे कोई राजनीति सियासत भी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि धर्म को के चलते राम मंदिर का ये नारे लगाए थे, राम मंदिर को लेकर जय श्री राम, क्या इसके पीछे कोई सियासत भी हो सकती है? नहीं, अगर हम अपने धर्म के लिए, या हमारा जय श्री राम नारा है या हम प्रभु श्री राम को मानते हैं और अगर नारा लगा रहे हैं तो उसमें किसको आपत्ति क्यों है? जी अरे भाई, हिंदुस्तान है, आजाद है, सब आजादी है सबको, कोई चाहे वो इस्लाम के नाम का लगाए किसी भी लगाए, तो ये थोड़ा सा आप उसे समाज उसे आप किसी और ले जाएंगे जगह पे ले जाएंगे उसको नारे को, भाई एक जय श्री राम का नारा लग रहा है ये थोड़ा ना विवादित हो गया या धर्म निर्देश हो गया। अरे भाई अपने धर्म का नारा लगा रहा है, ठीक है, राम मंदिर का डिसीजन आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का एक डिसीजन इतना बड़ा दिया है और पूरा हिंदुस्तान और हिंदू जितने भी हैं निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के खुश हैं और वो अपना वक्तव्य जाहिर करने के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सभा रैली निकली धूमधाम से। तो इसमें समझता हूँ कहीं ये जिस समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से ये लोग जो आते हैं जिन्होंने हत्याकांड का अंजाम दिया है उन्हें किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए था। जी ये जो तत्व जो दिमाग में लिए बैठे हैं इनको इन चीजों को निकालना पड़ेगा और अपने को माइंड को ठीक करना पड़ेगा इन्हें। तो प्रदीप जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में हत्याएं की वारदात सामने आ रही है और लगातार जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, क्या इस जो हत्या हुई है रिंकू शर्मा की, क्या इसके पीछे कोई सियासत या पुलिस प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरेआम एक भीड़ ने उस परिवार पर हमला किया है और घसीटकर रिंकू शर्मा को बाहर ले जाकर मारा है। देखिए मैं इसमें तो यही कहूंगा कि देखिए पुलिस ने तो अपना काम किया बाखूबी और एक्टिव थी पुलिस, तो उसने चार लोगों को पकड़ा, मगर एक समुदाय ने जो एक परिवार पे हमला किया, पे माता पिता को मारा, भाइयों को मारा और बाहर खींच के उसमें चाकू गोद दिया गया, कहीं ये दिखाता है कि देखिए जिहादीपन कितना लोगों में घुसा हुआ है कि वो इस चीज को मंशा में रखते हैं कि एक जिहादी बन के कि किस तरह एक हमला किया जाए। वो हिंदू था और हिंदू धर्म अपना रखा था और हिंदू है वो, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहा है, खुले में लगा रहा है, उसमें कोई अपराध नहीं है। ये नहीं है कि आप उसको आप इस तरह घोट दो, आप मंदिर बंद करा दो, आप मंदिर में क्या नाम आरती ना होने दो। बहुत ज्यादा इस दिल्ली के अंदर इतना इस धर्म चीज को लेके विवाद बढ़ता जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस चीज को नहीं कहती है, इसने इतनी चीजों को शह दे रखी है कि जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। जी। जो चीजें एक हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में सबको अधिकार है, ये चीजें जो जिहादीपन दिखाती है कहीं इस चीज को मंशा को ठीक करनी पड़ेगी। जी तो प्रदीप जी, दूसरी बात तो ये है ना कि दिल्ली का जो लॉयल ऑर्डर है वो गृह मंत्रालय के पास है और वहां पर बीजेपी की सरकार है, यानी कि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है वहां पे? देखिए दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है तभी अपराधी इतनी जल्दी पकड़े गए और पुलिस ने जिन्होंने भी हत्याकांड को अंजाम दिया पुलिस ने बाखूबी उसको बहुत जल्दी अरेस्ट करके दिखाया और ये भी दिल्ली पुलिस की खूबी है और सजगता है जो दिखा रही है कि क्षेत्र में उस जहां ये हत्याकांड हुआ है उसको कहीं किसी प्रकार की अराजकता ना हो पाए उस चीज को भी ध्यान दे रही है पुलिस। जी तो प्रदीप जी, जिस तरीके से अब बीजेपी नेता ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर रिंकू की जगह अगर रिहान होता तो तमाम जो पार्टियां हैं वो उनके घर पर जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा। देखिए राजनीतिकरण इतना ये विपक्ष करने लगा है कि ये तानी ये क्या दिखाना चाहता है हिंदुस्तान में, क्या गर्माहट पैदा करना चाहता है विपक्ष कि ये दोगलापन जो दिखाते हैं कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या वामपंथी हो, ये कहीं हिंदुस्तान के कोने पहुंच जाते हैं। अभी ये जो दिल्ली में भी घटना हुई, अभी नई नई जो थे वो ही पता है कि वो जो ट्रैक्टर के नीचे आगे जो मर गया था उसको शहीद का इन्होंने नाम दे के गोली मार दी, अफवाह फैलाई थी और उसके लिए प्रियंका जी जाते हैं वहां पे, मगर
अस्पताल नहीं जाती है पुलिस वालों को देखने के लिए, जो इस राजधानी की सुरक्षा करते हैं, स्वयं उनकी भी सुरक्षा करते हैं, उनको देखने नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो उस पर जाएंगे जहाँ जात विवाद या धर्मवाद हो, हाथरस जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। ये दोगलापन जो इन पार्टियों का है, ये चीजें समझनी चाहिए कि सबको एक समान समझे, इस टाइप की राजनीति ना करें जी। तो प्रदीप जी, आपकी तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता क्या कुछ कर रही है, उनकी आर्थिक स्थिति भी जिस तरीके से बताई जा रही है, परिवार जो रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है वो एक इकलौता था जो घर का खर्चा भी चलाता था, लेकिन आपकी तरफ से अब क्या उनकी मदद की जा रही है? देखिए, जो संभव मदद होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो करेंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं फिलहाल कि आम आदमी पार्टी इस पे क्या अपना स्टैंड देती है जी। और आम आदमी पार्टी इसमें क्या अपना रुख दिखाती है। तो सर, वो हमें तो बड़ा इंतजार है बाखूबी से मीडिया के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी का न्याय क्या रहेगा। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो उनको स्टैंड लेना चाहिए, आप तो ले लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी तो सवाल ये उठता है कि ये कहा जा रहा है रिंकू शर्मा के आपके साथ आना जाना था, आपके घर में आना जाना था बीजेपी की अगर बात करें, लेकिन आपकी तरफ से क्या आर्थिक मदद की जा रही है? देखिए, उसके विषय में भी जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है उससे बात चल रही है, जो भी संभवता हो पाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूर्ण कार्यकर्ता हिंदुस्तान के रिंकू शर्मा के साथ खड़े हैं, उसके दर्द में परिवार के शामिल हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। फिलहाल अभी जो एक कर्तव्य बनता है राज्य सरकार का, दिल्ली सरकार का, उसके घर जाना, संवेदना देना, थोड़ा तसल्ली देना, वो कहीं मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए। ये नहीं है कि बुलंदशहर जो एक गाय को लेकर हत्याकांड होता है, घर सिलाई मशीन पहुंचाना, पैसे पहुंचाना, दिल्ली की राजनीति यूपी में करना, उसको भी दोहरी राजनीति जो आम आदमी पार्टी करती है, इसको भी अपना स्टैंड ठीक करना पड़ेगा जी। चलिए, इस पे हम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, राजीव त्यागी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार करिश्मा जी। तो सर, आपको बताइए होगा कि दिल्ली के मंगोलपुरी में जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है सरेआम, और अगर बात करें पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगातार अब सवाल निशानियां खड़े हो रहे हैं। जो रिंकू वाला जो हत्याकांड है, इसको आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल कंडम करती है, और हम इस चीज के इसको कड़ी इसकी हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, और इसमें जो भी दोषी हैं इसको मेरे हिसाब से इसको एक किसी कास्ट या जात से या इससे जोड़ के ना जोड़ा जाए, और इसको इसको ये देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्या इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हमारी पार्टी, हमारे सभी नेता, हमारे सीएम साहब जो है वो इस चीज के लिए जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो भी जिसने भी ये किया है वो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार को भी इसमें जो है वो जो भी एक्शन हो वो लेने चाहिए जी। ठीक है, और हम कभी भी ना हमने इस चीज को क्राइम को कभी भी फेवर नहीं किया है, हम तो शुरू से ही एक क्राइम मुक्त दिल्ली का एक सपना है, इसीलिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। लेकिन सर, वो आपकी बात ठीक है, फेवर तो कोई नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती कि उनके राज में ऐसी वारदातें हुई, लेकिन आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आती है, हत्याएं हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन लिया जाता है, लेकिन कई ऐसे एक्शन लिए जाते हैं वो बाद जो होती है वारदात होती है, बदमाशों की जो फाइलें होती है वो हाथ के हाथ बंद भी हो जाती है। देखिए, इसमें जो काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो दिल्ली पुलिस का है, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है। सरकार तो आपकी है ना, दिल्ली में तो सरकार आपकी है। हाँ, नहीं वो तो है बिल्कुल, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पे इस समय एलजी जो है, और जो इस समय पर जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंदर आती है। हम केंद्र को जो भी सपोर्ट होगा पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी जो इस तरह की घटनाओं को कभी ना फेवर करते हैं ना करेंगे, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हमारी सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है, आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है इसकी, और बड़ी बहुत ही दुखद घटना है ये। और हमारे सीएम साहब का भी यही कहना है इसमें कि जो है जो भी इस पे जो भी हमारे दिल्ली सरकार के लेवल पे जो भी कुछ करने के लिए होगा हम लोग जरूर करेंगे, जो हमसे दिल्ली पुलिस चाहेगी वो हम लोग साथ हैं हर तरह से। ठीक है, और लेकिन मेरा एक बात और भी कहना है, इसको किसी कास्ट या बिरादरी से या जात से ना देख के इसको पहले ये देखा जाए कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है बेसिकली, तो इस पे एक जांच कमेटी बननी चाहिए, इसकी एक
फास्ट कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और उस पे कारण जानना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्या मैटर है, एक्चुअल क्या है और उस पे कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए जी। और हम तो इसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदीप जी, आपकी क्या राय है, आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं डॉक्टर त्यागी जी को कि इन्हें कहीं अपने सीएम को बुद्धि देनी पड़ेगी, जो कि दोहरी राजनीति करते हैं, उनके पास राज्यपाल तक कहने के लिए टाइम है, उनके घर तक जाने के लिए टाइम नहीं है। कहीं इस चीज को भी मनीष जी को भी समझना पड़ेगा, ये आप जो उप आपके सीएम है कि वो ना तो पीयूष वाल्मीकि गए, ना वो जो रघुवीर नगर में हत्याकांड हुआ सक्सेना, ना वो वहां तक पहुंचे, मगर वो हैदराबाद तो जा सकते हैं। प्रदीप जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो आपके अंडर में है ना सर? प्रदीप जी, आपके अंडर में है पुलिस प्रशासन के, जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो? मैं प्रशासन की व्यवस्था की बात अगर आप करें तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, जो किसान बैठे हैं ये प्रशासन की व्यवस्था है, जो शांति को धरना कराने के लिए पुलिस पिटी। किसान के मुद्दे पर मत लीजिए सर, हम रिंकू शर्मा की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं सर, डिबेट को भटकाइए मत सर, बात मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पे ही हूँ, कहीं आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीति ठीक करनी पड़ेगी। राजनीति जो करते हैं अब ये एक धर्म की राजनीति करने लगे हैं। मैं स्पष्ट कह दूं, इनको अब जो है वोट बैंक के बहाने इन्हें मुस्लिमीकरण दिखता है, मुस्लिम दिखता है, हिंदू नहीं दिखता है। मैं स्पष्ट कह दूं पहले बैठ के आपके चैनल पे, क्योंकि मैं नहीं, पूरी दिल्ली हो या हिंदुस्तान है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड देख चुकी है, बहुत दोहरापन है इनका जी। ये गाजियाबाद जा सकते हैं, कहता हूँ ये गाजियाबाद जा सकते हैं, ये मंगोलपुरी नहीं जा सकते। राजीव जी, बीजेपी नेता ने कहा है, ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर रिंकू की जगह रिहान होते तो शायद कई पार्टियां उनके घर पहुंचते। अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो उसकी तरफ से भी कोई सांत्वना नहीं दी जा रही है रिंकू के परिवार को लेकर। क्या अभी तक भी ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी हमारी पार्टी में इस चीज को लेके एक मीटिंग हुई है और हम लोग जल्दी ही वहां तक पहुंचेंगे। घर पे तो नहीं गए, आर्थिक मदद भी कोई नहीं की जा रही है सर? रिंकू शर्मा एक इकलौता था जो घर का खर्चा चलाता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें आर्थिक मदद जो भी होगा वो सब चीजें जो भी जो है दिल्ली सरकार के जो बेनिफिट है वो सभी को मिलेंगे, वो सभी को मिलेंगे, वो सभी बराबर है। और आज जो हम लोग सरकार में बैठे हैं वो सिर्फ एक किसी जाति धर्म की वजह से नहीं बैठे हैं, पूरे दिल्ली की वजह से बैठे हुए हैं। और हम तो कहते हैं हमें आप दिल्ली की पुलिस दे दीजिए, हम लोग एक्शन लेके दिखाते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी, केंद्र राजीव जी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस है वो हमें दे दीजिए, हम एक्शन में आते हैं। फिर हम एक्शन में आ जाते हैं, बोलिए आप मुझे, हमें प्रदीप जी जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस का बजट क्या है? राजीव जी को बाखूबी पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को टॉकी नहीं है, आपको दे दी जाए वो पूरे केंद्र के जो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ फिर आप अपना कार्रवाई करें सर। मैं तो कहता हूँ नहीं दीजिए तो फिर आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए। जो कहते थे कि मैं सर, ये तो संभव नहीं है ना कि आप दोष हमें दे दें और दिल्ली पुलिस अपने पास रखे, या तो आप एक्शन ले लें सर। चले जाइए सीमापुरी, 20 करोड़ में मस्जिद बनी हुई है और TWD दुनिया भर में उससे कंप्लेंट लगी हुई है, क्यों नहीं हटा रहे रोड चौड़ा करने के लिए? आपने करकट डुम्मा तो हटा दिया आपने। राजीव जी बताइए, जो आ रहे हैं परिवारों की, जो परिवार ने आरोप लगाया है, जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है उसके पीछे का रहा है, ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर ये वारदात हुई है। देखिए मैं अगर ये चीज मैं कहता हूँ, अगर ये राम मंदिर के चंदे को लेकर हुई है तो ये बहुत ही गलत बात है। और लेकिन ये जांच का भी तो विषय है ना सर, ये मैम ये जांच का विषय है करिश्मा जी, इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी जांच के बाद जो भी एक्शन लें तो हम लोग तो एक्शन के लिए बिल्कुल साथ में, दिल्ली सरकार जो है वो जो भी दोषी होगा उसके लिए साथ में खड़ी हुई है। एक्शन लेने एक्शन जो भी सरकार लेगी, जो भी पुलिस लेगी जो एक्शन, उसमें हम लोग साथ में खड़े हैं, हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली सरकार जो है वो रिंकू शर्मा के परिवार के साथ में खड़ी हुई है। और साथ में खड़े होने से क्या होता है कि उनका बेटा था, उन्होंने गवाह दिया, जिस घर का चिराग अगर छीन जाए उस परिवार को पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको हमें राजनीतिक मुद्दा ना बना के इस पे हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी जल्दी इसको उनके जो लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से जी। तो प्रदीप जी आपका क्या कुछ कहना है? मैं कहता रहा हूँ, मैं पूछा, मैंने इनसे पूछा जाना राजीव जी से, क्या आपकी सरकार ने अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी करी है?
क्या राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लेटर भेजा है निष्पक्ष जांच के लिए? क्या आपका प्रवक्ता अभी तक टाइम नहीं मिल पाया इस विषय को लेके बैठ के बोलने के लिए? क्या आपने कोई मुआवजा आपने कोई जारी करा रिलीज करा इस पे? क्या कोई परिवार कोई आपके यहाँ से विधायक कोई कोई एक कमेटी आप बन के कोई गई होंगे घर तक उनको संवेदना देने के लिए? अगर कोई गई है तो आप मुझे बताएं। रख रहा है, अपनी बात भी बता रहे हैं और हम लोग। प्रदीप जी आपसे सवाल है, लगातार जो वारदातें सामने आ रही है दिल्ली में, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो आपके अंडर में है, फिर भी उसके बावजूद भी ऐसे तमाम ऐसी खबरें सामने आती है? देखिए मैं आपको बताऊँ, आप अंडर में पुलिस है, देखिए पुलिस अगर अंडर में है और पुलिस अपना काम कर रही है, आप पुलिस से ठीक है, आप कई बार सवाल को दोहरा चुकी हैं, आप ये देखिए ना कि पुलिस की तो ये करामात है जो। तो सही सवाल भी आप नहीं दे रहे प्रदीप जी, सवाल भी आप सही तरीके से नहीं दे रहे ना, तभी हमको दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। आप मुझसे पूछिए आप क्या चाहते हैं? सरकार में ठीक है, केंद्र सरकार हमारी है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पुलिस केंद्र की है, क्या केंद्र की दिल्ली पुलिस ने अपने को जागरूक देखते हुए उन अपराधियों को पकड़ा या नहीं पकड़ा? चार को पकड़ चुके, बाकी भी धरपकड़ चालू है। तो सर ये भी लगातार परिजनों का ये भी आरोप है, कई समय से लगातार ये धमकी दी जा रही थी, मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नहीं थी, क्या एक बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी क्या पुलिस को? कोई उन्होंने ऐसी कोई एफआईआर या कोई ऐसी एक्शन नहीं दी गई थी जिससे पुलिस कोई एक्शन ली थी। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं परिजनों ने सर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई होगी? सर आपको पता भी होगा जी, मैं तभी इस बात को कह रहा हूँ, मेरी बात हुई है तभी मैं बात को कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर ये घटना हो, अगर ये चीजें होती तो पुलिस जरूर इस पे कार्रवाई करती है, थोड़ा ना आप पुलिस में कंप्लेंट किसी की दे रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप जाइए ना उत्तर प्रदेश के अंदर, एक कंप्लेंट दीजिए किसी के नाम, एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन लिख के दीजिए। चलिए जो सर जो आरोपियों को पकड़ा है सर, जो आरोपियों को पकड़ा है उनकी सजा क्या होगी आप ये भी बता दीजिए। देखिए वो कानून का काम है, मेरा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कानून पर कानून से चलने वाला है, जो लोग कानून को मानते हैं उन पे विश्वास रखना होगा, कानून पे वो कानून किस तरह अपना काम करेगा, क्या उनको अपराध की सजा मिलेगी वो देखिए कोर्ट का काम है। हम आप यहाँ बैठ कर क्या नहीं कर सकते और ना करना पड़े हमें ये काम भी ना करना पड़े। भाई मेरा तो कहना है इसमें हमारी जो पार्टी का कहना है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कोई किसी भी क्राइम में किसी भी तरह की सजा में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए और तुरंत इसमें एक्शन लिए जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। हम लोग क्राइम में जीरो टॉलरेंस को लेके साथ चलने वाले लोगों में से हैं और हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है तो हम लोग तो सिर्फ कह सकते हैं, आप लोगों से एलजी से बोल सकते हैं, एलजी साहब से बोल सकते हैं, आप लोगों से बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम लोग आप जीरो टॉलरेंस नीति पर हैं। प्रदीप भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ में आपके साथ खड़े हुए हैं, क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है हमारा बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हमेशा साथ है, रिंकू के साथ में है, रिंकू के परिवार के साथ में है और शासन के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में इस पार्टी। राजीव जी बीजेपी नेता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो केजरीवाल सरकार, मदद तो छोड़िए, उन्होंने उनके घर पर भी दो शब्द भी नहीं बोले, उनके घर तक भी सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। करिश्मा जी देखिए एक पार्टी का एक पर्टिकुलर वो है, इसमें जो भी चीजें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से, रिंकू भी दिल्ली सरकार का एक अंग है, वो भी एक वहां का बाशिंदा है दिल्ली का, और उसको उसका पूरा बेनिफिट जो है वो उनके परिवार को मिलेगा, मिलना चाहिए और उसका हक है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। देखिए ये सब चीजों में एक बात जरूर है, अभी ये जांच का विषय चल रहा है, अभी इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हो रही हैं और ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसमें एक आध दिन का तो समय एक लिया जाएगा चीजों को समझने के लिए कि क्या क्या है। जी तो यही सवाल है कि आखिर रिंकू शर्मा को इंसाफ सर कब मिलेगा, परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, उन्होंने अपने घर का एक चिराग खोया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस बता सकती है ना। प्रदीप जी राजीव जी आप हाँ राजीव जी बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं, कभी आप ये नहीं बताएंगे कि ये आपके सरकार की तरफ से विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हुई है, थोड़ा ये बता पाएंगे आप? क्या सिसोदिया जी के मुंह में दही जम गई क्या, क्या आपके प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम गई क्या, जो इस विषय को एक बार भी संवेदनशील लेते हुए एक बार भी दिल्ली की शांति के लिए एक बार अपील नहीं करी उन्होंने,
भाई मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके सामने बैठा हुआ हूं और मैं इस चीज को बिल्कुल इस पर्टिकुलर कृत्य को हम लोग इसकी पूरी आलोचना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं और हम लोग केंद्र सरकार के और दिल्ली पुलिस के साथ में पूरी तरीके से। आप गाजीपुर जाते हैं वहाँ पानी का टैंकर भिजवाते हैं, वहाँ आपको संवेदना देने में या वहाँ जाने में क्या? देखिए वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, तो इसको 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 हमें प्रदीप भाई इसको हमें उस मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मैटर लॉ एंड ऑर्डर का है, ये मैटर क्राइम का है, ये मैटर क्या आपको डेडिकेशन मांगने नहीं दे सकते थे आप? अब हमारा हमारा जो आर्थिक मदद जो भी हो सकती है हमारा हमारा दिल्ली सरकार का जो जो लोग जो जो ऑथराइज लोग हैं वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पूरा संवेदनशील है ये दिख रहा है। दिल्ली सरकार तो ये देखते हैं गवर्नर से कैसे लड़ाई ली जाए, गवर्नर के काम में कैसे बाधा दी जाए, दूसरे पे कटाक्ष कैसे किया जाए। आप ध्यान दे रहे हैं, हमें हमें मुद्दे से नहीं भटकना है, हमें इस समय पर जो मुद्दा है वो रिंकू का है और रिंकू को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग इस चीज को पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और दिल्ली पुलिस के और केंद्र सरकार के साथ क्यों करेंगे? अगर ये काम अगर कहीं अपोजिट हो जाता तो आपका पूरा विधानसभा वहां पहुंच चुका होता मंगोलपुरी। मैं फिर यही कहना चाहूंगा प्रदीप भाई कि हमें इसमें इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, ये राजनीति का मुद्दा राजीव नहीं। राजीव जी चलिए, अब जिस तरीके से रिंकू शर्मा के जो परिवार को धमकी दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें सुरक्षा चाहिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा चाहिए, उनको ये भी डर सताने लगा है कि अब हमारी बारी है, तो इसको लेकर अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसको दिल्ली पुलिस को वो सुरक्षा देनी चाहिए, हमारे दिल्ली सरकार के पास तो वो सुरक्षा है नहीं, दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस को वो देनी चाहिए। प्रदीप जी केंद्र सरकार को वो देनी चाहिए। प्रदीप जी उनके लिए दिल्ली पुलिस भी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही उनके लिए खड़ा है, अगर उनकी तरह कोई निगाहें आंख उठा के देख भी लेगा। प्रदीप जी खुदा ना खास्ता ऐसे फिर दोबारा ऐसी वारदात सामने आ गई, अगर फिर ऐसे रिंकू शर्मा की तरह एक और ऐसा शर्मा कोई ऐसा व्यक्ति मर गया जो बाद में फिर एक्शन के मोड पर आए और कहे कि हम तो एक्शन मोड में है, लेकिन जब एक और घर का चिराग जब छीन जाता है या किसी की मौत हो जाती है, बाद में पुलिस प्रशासन जगती है, कुंभकर्ण वाली नींद से जगती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा है ना, आप धोखे से किसी पे भी आघात कर दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? अगर आप धोखे से पीठ पे किसी से आघात करोगे, परिजनों ने आरोप लगाया, उनको एक डर सताने लगा है कि रिंकू शर्मा की तरह कभी हम पे भी ये हमला ना हो जाए। भीड़ ने, इतनी बड़ी भीड़ ने जिसमें महिलाएं भी थी और बहुत सारे आदमी भी थे जो उसके घर पे हमला करा और पूरे परिवार को मारा, ये बताइए कि क्या करता परिवार? इतनी भीड़ जब पहुंची, जो जिहादी माइंडेड पहुंचे, क्या कर सकता था परिवार उनसे, उनके साथ जो किया? क्या आम आदमी पार्टी जिहादी माइंडेड लोग है, क्या खड़ी है साथ में उनके? क्या उनकी सोच में उनकी आर्थिक सोच भी वैसी है? क्या आप विरोध करेंगे? हम किसी एक जात बिरादरी और कास्ट को टारगेट ना करते हुए जो भी लोग तो सर कोई नहीं करता, वो तो सरकार पर डिपेंड होता है, सरकार कितनी अलर्ट होती है कि नहीं जिहादी माइंडेडों के साथ नहीं है, हम उनके विरोध में खड़े हैं। ये अनामुल्ला खान जो विधायक है जिन्होंने सीए के विरोध में दंगा कराया, जिन्होंने चांदबाग में दंगा कराया, क्या ऐसे जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी? आपसे कि आप एक्शन लीजिए ना उस पे, हम कहां मना कर रहे हैं कि जो है आप रिंकू शर्मा के परिवार को सिक्योरिटी दीजिए ना, आप उनके जो है जो मेरा सवाल तो ये है कि आप जितने भी ये जाती माइंडेड है क्या साथ में खड़े हैं आप उनके? सर मुद्दों को भटकाइए मत, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर बातचीत हुई है। प्रदीप जी देखिए मैं सिर्फ मुद्दे पर हूँ, बिल्कुल एक टू द पॉइंट मुद्दे पर जा रहा हूँ, बिल्कुल 100%। आप प्लीज इसको जो है इनको रिंकू शर्मा के परिवार को सुरक्षा दें तुरंत तत्काल प्रभाव से, उनका इसमें निष्पक्ष जांच कीजिए और उसकी चिंता मत कीजिए, और निष्पक्ष जांच कीजिए, सुरक्षा मिल चुकी है उनको, और उसकी चिंता क्यों ना करें। परिजनों को एक डर सताने लगा है रिंकू शर्मा, जिस तरीके से खुलेआम बदमाशों ने घर में घुसकर उसको घसीटा है, फिर चाकू घोपा है सर उनके परिवार के बीच में, उनको एक डर सताने लगा है और आप कह रहे हैं कि इसकी चिंता ना करें, सर ऐसा कैसे? भारद्वाज जी मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या आम आदमी पार्टी आपके चैनल पे बैठ के ऐसे जिहादियों के लिए कंडम करेगी, बोलेगी नहीं वैसे जिहादियों के साथ नहीं है? चलिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।